Welcome to DJJS Janmashtami Special Podcast, exploring the lives of those whom you will see performing on stage. आज का ये जो स्पेशल सीरीज है इसमें हमारे साथ कुछ DJJS Janmashtami के डाइवर्स परफॉर्मर्स जुड़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव एन इनसाइट इन देयर लाइव्स कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, व्हाट रोल्स डू दे चूज, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद गुरुजी। इस मंच के लिए आपने, इस कैरेक्टर के लिए जो श्री कृष्ण जी का रोल है जी, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी करी, कैसे कैसे प्रिपेयर हुए आप, वो बताइए। ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, भगवान का किरदार, भगवान परफेक्ट है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। हम इंसान हैं, हमें बहुत कमियां हैं, बिल्कुल हमें जरूरत है कि अगर हम उनके किरदार को अपने अंतःकरण में या अपनी लाइफ स्टाइल में लाना चाहते हैं ना, तो पहली बार तो ये बहुत बड़ा टारगेट है जो अचीव करना है। मैं तो बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए कि आपके वो कंट्रास्टिंग रोल्स क्या है, लेकिन आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी उतनी ही ईगर होगी जानने के लिए कि आपके वो दो रोल्स ऐसे क्या है जिनके बारे में आप यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, मेरे दोनों रोलों में पूरे एक युग का अंतर है। एक रावण का है, त्रेता युग के, और एक ऋषि वेदव्यास जी जो द्वापर युग में थे। टू एंड्स, हाँ, पूरा एक युग का ये डिफरेंस आ गया। रावण एक तरफ अभिमानी है, गुस्सैल है, किसी की बात नहीं सुनता, उसको इस बात का अभिमान है कि उसके पास सोने की लंका है, सारी देवी देवताओं को उसने अपने आप पर बंदी मार रखा है, लेकिन सिर्फ अपनी बहन के कहने पर जाके भगवान राम की वाइफ को सीता माता को हर के ले आता है। वहीं पर वेदव्यास जी हैं तो समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए महाभारत का, मतलब बाबा जी ने महाकाव्य का रचना की, और समाज कल्याण के लिए सदैव सदैव तत्पर रहे वो। तो दोनों ही कैरेक्टर्स में, दोनों ही अपनी अपनी श्रेणी के पीक कैरेक्टर्स हैं, तो इनको करने में बहुत मजा भी आया और महाराज जी की बहुत मेरे को कृपा रही कि मैं इनको कर पा रही। ये बताइए कि जैसे आपने ये दो बिल्कुल कंट्रास्टिंग, बहुत ही डिफरेंट है अपने एक दूसरे से, अपने रोल परफॉर्म करा, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करते थे ये रोल को परफॉर्म करने के लिए, आपने अपने अंदर क्या आइडेंटिफाई करा? रावण का रोल करना तो कंफर्टेबली काफी इजी था, क्योंकि जो रावण था वो रावण कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। बिल्कुल। वेद व्यास का रोल करना वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको अपने अंदर आइडेंटिफाई कर पाना, उस अच्छाई को आइडेंटिफाई कर पाना, उस समाज के कल्याण के लिए जो लोग अग्रसर होते हैं उसको अपने अंदर ढूंढ पाना वो मुश्किल होता है, उस बात को आपको एक्ट करना है, उस चीज को अपने अंदर खोजना, फिर उसको अपने एक्सप्रेशंस में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में लेके आना, ये एक चैलेंजिंग था। प्रिय जी, आपको जब ये रोल मिला सुल्तनकार का, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? जब मुझे ये रोल मिला तो मेरे लिए अपने आप में ही एक टास्क था, क्योंकि ये चीज मुझे घर में बताना मेरे लिए एक टास्क था। जब मुझे कभी भी कोई नेगेटिव करेक्टर मिलता है तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को उतना बुरा दिखाऊं, उतना बुरा ऑडियंस की नजरों में दिखाऊं कि उनको ये चीज समझ में आए कि जो मैं करेक्टर निभा रही हूँ उस समय वो असलियत में करेक्टर क्या था और उनके व्यक्तित्व का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दशरथ जी कह सकता हूँ? या डेफिनेटली आप कह सकते हो, फिलहाल मैं उसी कैरेक्टर में हूँ। आपने इस रोल के लिए, दशरथ जी का जो काफी मतलब बड़ा रोल लगता है, राम जी के पिता हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी अपनी तरफ से? इससे पहले बहुत सारी दिव्य ज्योति जागी संस्थान की जितनी भी रामकथाएं हुई हैं उनमें मोस्टली सेवा करी है, वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे पूरी रामायण देखी है, समझी है, जानी है, और दशरथ का कैरेक्टर भी वहां पे बहुत समझा है। अच्छा। बट इसको यहाँ पर परफॉर्म करना जन्माष्टमी में विद अ डिफरेंट थॉट, वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। काफी समय से मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस ने भी देखा है कि आप जो श्री कृष्ण जी का रोल परफॉर्म कर रहे हैं इस मंच से, रेगुलरली आपने जिस चीज को जो परफॉर्म करा है, इजी नहीं हो गया अब आपके लिए ये रोल को परफॉर्म करना थोड़ा? कृष्ण जी के अगर जिंदगी में देखेंगे तो हर एक दृष्टांत एक अलग करेक्टर। बिल्कुल। मतलब कृष्ण जी जब वो दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ते हैं तो वो उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। बिल्कुल। जब विराट रूप अपना दुर्योधन को दिखाते हैं, वही जब सुदामा के साथ उनका दृष्टांत आता है तो वो बहुत ही प्रेम भरा और शांत भरा स्वभाव है, तो वो एक ऐसे भक्त के लिए भी अपने आंसू बहाते हैं।
तो ये अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग करेक्टर कृष्ण जी के अंदर से जो निकले हैं, उनको प्ले करने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है। आप मानेंगे नहीं, ऑफिसेस में भी जब हम बैठे होते हैं, कोई बीच में ब्रेक मिलती है तो हम आग बंद करके बस वही करेक्टर, वही डायलॉग्स याद आ रहे होते हैं। तो आप, सिंस यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं चैलेंज तो जरूर आता ही होगा, क्योंकि आपको अपना वर्क भी देखना होता है और ये जहाँ पे आपकी सेवाएं की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं प्रेशर होता है इन सब चीजों को लेके? जैसे ऑफिस से गए तो पूरा आप जैसे कह रहे थे प्रेशर रहता है ऑफिस से, तो उसको रिलीज करने के लिए हम सबसे पहले मेडिटेट करते हैं। अच्छा, तो मेडिटेशन से आधा प्रेशर तो वहीं चले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डांस परफॉर्मेंस रहती है, उसमें जो करेक्टर्स रहता है, करेक्टर्स में एक एक उसके मूव्स रहते हैं और उसके पीछे की जो कथाएं रहती हैं, उसको उससे प्रेरणा एक मिलती है कि हाँ ये परफॉर्मेंस है। फिर उसके अंदर जब आदमी डूबता है, परफॉर्मर एक डूबता है, तो वो प्रेशर फिर लगता ही नहीं कि हाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर। तो जब वो परफॉर्मेंस करके निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हल्के हो गए बिल्कुल। आप भी पूरे साल वेट करते हैं पूरी जन्माष्टमी के लिए? हाँ, हम तो वेट ही करते हैं। हम तो चाहेंगे कि दो तीन बार हो जाए। जब मेरे पास माँ यशोदा का रोल आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए ना। हम किस तरीके से माँ और बेटे का रिश्ता, मैं कैसे ईश्वर को अपना बेटा समझ लूँ ना, और माँ का दर्जा, माँ का सम्मान मुझे मिला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जन्माष्टमी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है? जन्माष्टमी एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले कि पहले जब मैंने शुरू में 98-99 में ज्ञान लिया था, तब मैं इसमें पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, डांस में, दो इट वाज नॉट मोर देन 1 or 2 years, इससे ज्यादा नहीं कर पाई। उसके बाद आई गॉट मैरिड। आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं जी, उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? आप मतलब जो प्रैक्टिस, क्या क्या चीजें होती है, कैसे शुरुआत होती है प्रैक्टिस की? जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती और कुछ होपलेस हो जाते हैं, तो हम ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर हमें बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो हम उसको वैसे करते हैं। सूरदास जी के जो आपको उनका जो किरदार निभाना था, उसको सीखने में को भी कोई दिक्कत आई कि मतलब यहाँ मुझे समस्या आ रही है? जी हाँ जी, उसके बारे में बताइए। जब मुझे सूरदास का रोल मिला तो मैं बहुत चिंता में पड़ गया कि कैसे पूरा करूंगा। अच्छा। मैंने तो कभी किया ही नहीं था और मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मैं ध्यान साधना में बैठ करके महाराज जी से क्यों ना प्रार्थना करें, क्योंकि करने कराने वाले तो सिर्फ महाराज जी हैं। भैया, एक बार मेरे को एक डांस स्टेप में डिफिकल्टी आ रही थी, फिर मैं जब साधना में बैठा, महाराज जी ने मेरे को वो स्टेप करके दिखाया, फिर वो मेरे को स्टेप क्लियर हो गया। जी भैया, आपने 3 रोल्स करे ना, कन्हैया का करा है, प्रहलाद का किया है और मीरा भाई के ब्रदर का रोल किया। इन तीनों में से अगर कोई एक रोल चूज करना पड़े जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो कौन सा होगा? भैया वो प्रहलाद का होगा। वो क्यों? भैया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे के? भक्ति करना। अच्छा, किसी से डरना नहीं चाहिए। और भैया एक और बात है, जब नरसिंह भगवान आए थे उसमें, तो मेरे को देख के थोड़ा डर लगा था। अच्छा, पर फिर जब उन्होंने मेरे को अपनी गोदी में बिठाया, मेरे सिर पे हाथ फेरा, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे साक्षात महाराज जी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा हो। भगवान कृष्ण का कौन सा एक स्पेशल मैसेज है जो इस मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? भगवान कृष्ण के तो विविध रूप इसमें है और उनके चरित्र को जो समाज में विभिन्न रूप से परोसा गया है, जिसपे गलत धारणाएं बनी हुई है, और यहाँ उस धारणाओं को ठीक करने का ये बहुत बड़ा मंच है। और ये केवल मंच ही नहीं है, यहाँ से विचार क्रांति होती है। अभी सांस्कृतिक क्रांति होती है। अभी संस्कृति के दौर में आप देखते होंगे कि किस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जिससे हमारी अध्यात्म संस्कृति नष्ट हो रही है और अर्थ संस्कृति भी नष्ट हो रही है। तो अर्थ संस्कृति को बचाना और अध्यात्म संस्कृति को बचाना, ये DJS का जो ये प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, ये कार्यक्रम। जन्माष्टमी जो आप पहले सेलिब्रेट करते होंगे, आई एम श्योर जब आप छोटे थे, यंग थे और भी, तो और ज्ञान मिलने के बाद, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद, क्या डिफरेंस आपने आइडेंटिफाई किया? मेरे हिसाब से बचपन में जब हम जन्माष्टमी प्रोग्राम में जाते थे ना, मुझे आज भी याद है, तो वो हमारे लिए एक
मस्ती होती थी, एंटरटेनमेंट होता था कि चले गए वहां पे, हमने कुछ अनदर छुट्टी देख लिया, अनदर छुट्टी झांकियां देख ली, वो देख लिया. अभी भी ऐसा ही होता है एवरीवेयर, जितने भी फंक्शंस होते हैं जन्माष्टमी के, सब जगह ऐसा ही होता है. लेकिन वहां पर जो आपका मेन मोटिव है ना लाइफ का, और कृष्ण जी का जो पूरी लीला है उससे, व्हाट इज द, उसका जो जूस है ना, एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता दूसरे फंक्शंस में, वो आउटकम नहीं मिलता. ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट मिलता है सिर्फ दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का, जो ये हमारा जन्माष्टमी मंच है ना, यहाँ पे पता चलता है कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं. ये सिर्फ नाच गाना नहीं है. क्या सच में आज के टाइम में भी ये लीलाएं होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं. कैसे? जैसे DJS में जो भी बताया जाता है, तो जो हमारे ग्रंथ हैं या जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं हमारे ग्रंथों में सारी लिखी हुई हैं. ठीक है, तो वो ग्रंथ में हमने पढ़ तो लिया, पर उसके लिए हमें एक लेबोरेटरी चाहिए. ठीक है, प्रयोगशाला. तो प्रयोगशाला हमें यहाँ मिलती है DJS में. जैसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को जो कहते हैं कि हाँ तुम मुझे देख सकते हो, ठीक है, उसके लिए मैं दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वर हूँ. तो जो दिव्य चक्षु जो दिया जाता है वो हाँ DJS में दिया जाता है, और हमने भी देखा है. ठीक है, वो प्रैक्टिकल अनुभूति हमने करी है, और ये नहीं कि एक बार देख ले, वो रोज होती है, हर पल होती है. जो मैसेज है कि ईश्वर देखा जा सकता है, उसी के बाद आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं. आपके पास रावण जैसे, आपके पास सोनी लंका हो सकती है ना, आपके दरबार में सारे देवी देवता कैद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो चक्षु नहीं है जो विभीषण के पास थी, तो आप राम को मिस कर जाओगे. DJS जन्माष्टमी को अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मन की शांति, सोल नरिशिंग, डिविनिटी, अपने से जुड़ो, पवित्रता, विश्व शांति, सिर्फ कहानी नहीं है, रियलाइजेशन. कैमरा ऑन है. एक सेकंड में, बस एक सेकंड ना.